कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक कप ऑयल डाला है मैंने इसमें, चलिए। तो एक प्याज थी मेरे पास दरमियाने साइज़ की, तो इसको मैंने चॉप कर लिया था। हल्का ब्राउन करूँगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। चले तो हल्की प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें ये गरम मसाले मेरे पास एक तेज़ पत्ता है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है, और ये एक बड़ी इलायची है। ये दो टमाटर थे, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दो। ये एक खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ है, तीन चार हरी मिर्चें पीस ली। चलिए तो ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, एक खाने का चम्मच पीसी हुई मिर्चें, और एक डेढ़ खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, एक चाय का चम्मच हल्दी, और एक चाय का चम्मच ही नमक है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। आधी प्याली मेरे पास दही है, ये डालती हूँ। एक टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये गोभी गाजर, मटर एक प्याली, चलो जी। तो सब्जी को अच्छे से भून लिया करें, सब्जी हो गोश्त हो, आप कुछ भी बना रहे हो आप उसकी भुनाई अच्छे से किया करें, ताकि उसका कच्चापन मसाले का या सब्जी का ख़त्म हो जाए। तो अब ये भून जाएगी तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी ना भी डालें तो हल्की आँच पे दम पे हो सकता है, लेकिन इसके मटर जो है ना थोड़े सख्त हैं, उसमें ज़रा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। चलिए जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं सब्जी को, देखते हैं इसको गली कि नहीं। जी तो माशाल्लाह से सब्जी हमारी गल चुकी है, और अब मैं यहाँ पर डालूंगी ये कसूरी मेथी है सूखी हुई। आप जो ताज़ा मेथी फ्रेश आजकल बाजार में मिल जाती है वो भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी या जो भी, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। वाकई बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। ये तीन हरी मिर्चें मेरे पास, ये डंडी के साथ डाल दी हैं। हरा धनिया,
माशाल्लाह से हमारी मिक्स सब्जी तैयार हो चुकी है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और बनाइएगा आप भी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।